संतों के नाम के आगे 108 लगाते हैं, माला में 108 मन के होते हैं, किसी मंत्र का जाप भी हम 108 बार करते हैं। इस 108 का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व है। सूर्य व पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, उसमें सूर्य का व्यास 13,85,000 का भाग दें तो 108 आता है, यानी सूर्य व धरती के बीच में 108 सूर्य सजाए जा सकते हैं। सरल शब्दों में सूर्य और धरती की दूरी 108 सूर्यों के बराबर है। ऐसे ही सूर्य का व्यास 13,85,000 किलोमीटर में पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर का भाग देने पर 108 आता है, अर्थात सूर्य के व्यास पर 108 पृथ्वियां सजाई जा सकती है। ऐसे ही पृथ्वी व चंद्रमा की दूरी 3,80,000 किलोमीटर है, चंद्रमा का व्यास 3,500 किलोमीटर का भाग देने पर 108 आता है, अर्थात पृथ्वी व चंद्रमा की दूरी 108 चंद्रमाओं के बराबर है। नौ ग्रहों को 12 राशियों से गुजरना पड़ता है, नौ को 12 से गुणा करने पर 108 आता है। ऐसे ही 27 नक्षत्रों को 4 चरणों से गुजरना पड़ता है, 27 को 4 से गुणा करने पर 108 आता है। धार्मिक महत्व, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्म शब्द से हुई है। वर्णमाला में ब 23वां अक्षर, र 27वां अक्षर, ह 33वां अक्षर, म 25वां अक्षर है, इनका योग करते हैं तो 108 आता है। ऐसे ही कृष्ण शब्द में क पहले स्थान पर, रि 7वें स्थान पर, स 31वें स्थान पर और ण 15वें स्थान पर आता है, इनका योग 54 होता है। 54 को दो बार यानी कृष्ण कृष्ण बोलने पर 108 हो जाता है। ऐसे ही राम शब्द में र 27वें स्थान पर, आ दूसरे स्थान पर, म 25वें स्थान पर आता है, इनका योग 54 होता है। दो बार राम राम बोलने पर 108 हो जाता है। ऐसे ही सीता में स 32वें स्थान पे, ई 4थे स्थान पे, त 16वें स्थान पे, आ दूसरे स्थान पे आता है, इसका योग भी 54 होता है। सीता राम बोलने पर इनकी संख्या 108 हो जाती है, इसलिए हम सब लोग राम राम या सीता राम बोलते हैं तो इसका फल हमको 108 गुना प्राप्त होता है। लाखों वर्षों से हमारे पूर्वजों को इस वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व का पता था। वास्तव में हमारे पूर्वज कितने महान थे, उनको ज्ञान विज्ञान का कितना अनुभव था, उनको नमन है।